उत्तराखंड के खानपुर से विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन अक्सर अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर से बीजेपी विधायक चैंपियन ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू पर विवादित बयान दिया। विधायक चैंपियन ने कहा कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी को मैं बापू नहीं मानता, देश को चरखा चलाने से नहीं बल्कि लाखों लोगों के बलिदान से आज़ादी मिली है। उन्होंने कहा कि अब भीमराव अंबेडकर को राष्ट्रपिता घोषित किया जाए और नोट से बापू की फोटो हटाकर बाबा भीमराव अंबेडकर की फोटो लगाई जाए। महात्मा गांधी जिनको तथाकथित बापू कहा जाता है हम नहीं मानते, मेरी ओपिनियन जुदा है, उसके बारे में साक्ष्य दे रहा हूं आपको। मैं क्यों नहीं उनको बापू मानता हूं, क्योंकि महात्मा गांधी जी के अंदर भी एक आम मनुष्य जैसा क्रोध, शोभ, अहंकार और षड्यंत्रकारी जहन विद्यमान था, जिसको कई बार परिलक्षित होते हुए आपने हमने सुना है और देखा भी है हमारे बड़ों ने। जब सर सैयद अहमद खान जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बनाया ने भारत में हिंदू और मुसलमान के लिए कहा था कि ये उस खूबसूरत महिला की दो आंखों की तरह हैं जिनको संवार के रखना है। चैंपियन यही नहीं रुके, उन्होंने सरकार को चेताया कि अगर सरकार ने विधायक देशराज पर मुकदमा दर्ज नहीं किया तो वो कोर्ट की शरण लेंगे, उसके बाद सरकार की जो किरकिरी होगी इसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होंगे। अब देखना ये होगा कि भाजपा विधायक के बिगड़े बोल पर पार्टी क्या एक्शन लेती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।